दुख है आपको आज इस बात का कि आप सही टाइम पे पहुंच नहीं पाई। सर मैं कहीं थी ही नहीं पहुंचने के लिए। सर अगर मैं होती तो अलग बात होती, मैं कहीं तो होती, नहीं थी कहीं। अंकिता, परिवार जो है वो अब सीधी सीधी साफ बात बता रहा है, वो एक रिश्ते के बारे में इशारा कर रहा है। वो रिश्ता था रिया चक्रवर्ती के साथ, कि जी उस सर रिश्ते की वजह से ऐसा हुआ। क्या आपका भी जी ऐसा मानना है कि ये रिश्ता जो था इसकी वजह से ऐसा हुआ? और देखिए, ये बड़ा ये कोइंसिडेंस है कि आपको और सुशांत को आप जी टीवी के मंच पर मिले थे, जब जी टीवी पर पवित्र रिश्ता सीरियल आया करता था, वहां से आपकी शुरुआत हुई और वो पवित्र रिश्ता बना। और मैं इसको ऐसे कहूं कि बाद में कुछ ऐसे अपवित्र रिश्ते आ गए जिनकी वजह से सुशांत बदल गया। सर, किसी पे ब्लेम करना मेरी आदत नहीं है सर, फ्रेंकली मैं किसी पे ब्लेम नहीं करती। सर मुझ में ही कुछ कमी होगी या उसमें ही कुछ कमी होगी तभी हमारा रिश्ता ठीक। मैं किसी को ये चीज ब्लेम नहीं करूंगी, फ्रेंकली आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन अबाउट इट। पर सर ये जरूर है कि वो बहुत एम्बिशियस था सर, उसको बहुत आगे बढ़ना था अपनी लाइफ में और मैं किसी को रोकना नहीं चाहती थी। तो उसने अपना डिसीजन लिया, उसकी अपनी जर्नी थी, उसका पाथ था। और मैं हैव ऑलवेज बिलीव कि यू कांट चेज लव, यू नो यू कांट चेज लव। मैं भागना नहीं चाहती थी पीछे, तो उसने अपनी जर्नी, और मुझे खुशी होती थी जब उसकी फिल्म्स आती थी। आई यूज्ड टू बी रियली हैप्पी दैट इज डूइंग सो गुड फॉर हिम। पर पिछले एक साल में ना सर एक फीलिंग आ रही थी ही इज नॉट हैप्पी, एक पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती थी कि ही इज नॉट हैप्पी, ऐसा लग रहा था और हो रहा था कहीं ना कहीं, यू नो। तो वो चीज वो कैसे लगता था आपको, ये फीलिंग आपको कैसे आती थी? आपकी सिक्स्थ सेंस थी या आप कहीं उसकी शायद सर हो तस्वीर? सकता है सिक्स सेंस होगी सर कहीं ना कहीं, मतलब ऐसी स्ट्रॉन्गली नहीं, बट एक होता है ना कि जो पहले सुशांत था जो अलग चेहरा था और फेस हंसता था, आंखें चमकती थी, कहीं वो दिखता ही नहीं था कहीं से। एक इंट्यूशन थी कि कहीं इज ही ओके इज ही फाइन टाइम ऐसे। आप बता रही थी कि वो बहुत एम्बिशियस था। जी सर मैंने उसकी फिल्म जो देखी थी, MS धोनी, जी सर उस फिल्म में सुशांत धोनी के रोल में एकदम से डूब गया था। जी और कहते हैं कि जी वो रोल सुशांत से बेहतर और कोई निभा नहीं सकता था। और ये भी तो लगता मैंने उस था लड़के को जी, इस फिल्म के लिए हार्ड वर्क करते हुए देखा है। 2 साल तक ये लड़के ने इतनी मेहनत की है इस फिल्म के, धोनी को बोर्ड के पी गया था लिटरली। मतलब ये उसको वॉक लाइक धोनी, बाल बढ़ा लिए थे एंड उसकी बैट्स, उसका ये उसका वो। आई रिमेम्बर वो धोनी के घर फार्म हाउस पे गए थे और इतना खुश था वो और इतना कुछ वहां से इकट्ठा करके लाया था। और उसकी डायरीज में वो नोट्स बनाना धोनी के, एंड हर पार्टी में लोगों को बताना मैं ये कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, वो दिखा रहा। वेरी लाइवली पर्सन, इट्स अ वेरी लाइवली पर्सन। मतलब वो कभी लोगों के साथ बैठ कर लोगों को बोर नहीं कर सकता था सर, और ना खुद बोर हो सकता था। उसको वो हमेशा बोलता था मैं अकेला रह सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी किताबों के साथ सच में अकेला रह सकता हूँ। वो खुश रहता था, उसको पढ़ने दो, उसको अपनी चीजें करने दो, उसको छोड़ दो। एक बच्चा कैसे होता है, तो लेट हिम प्ले, अपने आप चक्कर आ जाए, वो वैसा था। तो ऐसा बच्चा, मैं फिर वहीं आता हूं, ऐसा बच्चा, ऐसा लड़का अचानक से शांत कैसे हो सकता है? और ऐसी क्या परेशानी? लोग शुरू में आपने देखा होगा जांच चल रही थी नेपोटिज्म की वजह से, कि फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा दबाव कुछ पड़ गया होगा, नाकामी का डर उसके दिमाग में आ गया होगा। अभी तक पूरी जो जांच थी वो इस तरफ चल रही थी। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा लड़का इसलिए अपनी जान ले लेगा कि उसको फिल्में नहीं मिल रही हैं, उसकी फिल्में अच्छा नहीं कर सर रही हैं? सुशांत इतना वीक था ही नहीं, उसको जान किस बात के लिए ले रही थी, उसके लिए क्या गलत हो रहा था उसके करियर में। सर जब उसने शुरुआत की थी सर, जहाँ तक नेपोटिज्म की बात है, क्या उसको नहीं पता होगा नेपोटिज्म है इंडस्ट्री? आज मुझे नहीं पता सर, मैं भी हूँ तो मुझे नहीं पता नेपोटिज्म, सबको पता है सर। लेकिन आप एक बात बताइए, जब वहां जो पवित्र रिश्ता चालू हुआ, फिर उसे पवित्र 3 साल तक वो कुछ नहीं कर रहा था, वो घर बैठा था, वो उस राइट प्रोजेक्ट का वेट कर रहा था कि जिस दिन वो होगा मैं तब फिल्म करूंगा, यू नो। एंड उसने वो चूज की लाइफ, वो घर बैठा, हम दोनों को फिल्म करनी थी था, बट देन आई थॉट कि एक मैं पवित्र नहीं छोड़ सकती थी, तो मैंने नहीं। पर वो 3 साल उस बंदे ने वेट किया काय को छुपकर से, और उसको वो मिली। और उसकी बात बीच में पड़ा हुआ है ऑप्शन, किसके लाइफ में नहीं आते मतलब उतार चढ़ाव, मेरे भी लाइफ में। उसकी तो तब जब उसका उतार था तब
तब वो कर सकता था, आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था सर काम करने में। और वो इतना कमजोर नहीं था सर कि अपने करियर के लिए वो उसको उस वो इनसिक्योरिटी की वजह से मर जाए। नो नॉट एट ऑल सर। यानी आपका आपका मन ये नहीं मानता कि नेपोटिज्म की वजह से या किसी फिल्म इंडस्ट्री के गैंग की वजह से सुशांत ने ये किया होगा? नहीं सर, मैं बोल रही हूँ वो ये किसी ऐसे किसी की वजह से मर नहीं सकता सर। सुशांत ऐसा इंसान ही नहीं कि काम के लिए मर जाए। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरह वीक होता सुशांत तो बहुत पहले ही कुछ कुछ कर लिया होता सर। बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, 2 साल तक धोनी बंद हो रही थी, चल रही थी, पता नहीं चल रहा था, तो कमल सर थे, कमल जैन जिन्होंने बनाई धोनी, उन्होंने किया, वो उसने मेहनत की उस पर और वो निकला उस चीज से। और कितनी चीज आई सर, रापता नहीं चली थी तो तब कर लेना चाहिए था। अभी तो उसकी सारी फिल्में चली थी सर, कि छिछोरे फिल्म चली है सर, मतलब क्या रीजन हो चुका है सर? मैं करियर, आई डोंट ब्लेम करियर, उसके पास वो उसके वो इतना वीक नहीं था, मुझे इतना पता है, बहुत स्ट्रांग था वो, बहुत चीजें देखी थी। और वो हमेशा बोलता था मेरी फिल्म नहीं चली ना, ठीक है मैं काम करूंगा कि मैं फार्मिंग कर लूंगा, वो लिटरली फार्मिंग कर लेगा, मैं शॉर्ट फिल्म बना लूंगा, मैं अपनी फिल्म खुद बना लूंगा। तो वो जो लड़का ये सोच सकता है वो करियर के लिए खराब होगा? नहीं सर। तो इसका मतलब ये है कि किसी रिश्ते में कुछ समस्या आई होगी, पर्सनल लाइफ में कुछ समस्या आई होगी जो कि प्रोफेशनल नहीं है, इतना तो हम मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं सर, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि मैं ये चीज को तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। करियर के लिए वो जान नहीं देगा, वो इमोशनल था, वो सेंटिमेंटल था, वो बहुत इमोशनल था। ये तो रिलेशनशिप्स में हो सकता है सर, बट नॉट इन दिस। क्या आपको, आपका तो बहुत लंबा संबंध उससे रहा, आपको कभी देखिए अच्छा और बुरा दोनों, जब आप किसी एक रिश्ते में होते हो अच्छा समय देखते हैं बुरा समय भी देखते हैं, अच्छे समय के बारे में नहीं मैं जानना चाहता, लेकिन बुरे समय के बारे में कभी आपने उसको टेस्ट किया हो? जब आप दोनों ने कोई बुरा समय देखा हो, जब कोई खराब फेज से आप गुजर रहे हो, तब आपको ऐसा लगा हो कि वो इस तरह के बुरे समय में कैसे रिएक्ट करता है? नहीं सर, मेरे लाइफ में कभी सुशांत के साथ कोई बुरा समय नहीं था, सिर्फ वो वक्त आया शायद तो जाना था, वो चला गया। हमने उसके बारे में पढ़ा अखबारों में, मैंने पढ़ा उसके बारे में, मेरे ख्याल से जो लोग हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में उन्होंने भी पढ़ा होगा अखबारों के बारे में, अखबारों में। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि आपने उस समय अपना जो करियर है वो लगभग छोड़ दिया था उसके लिए। मतलब जब रिलेशनशिप में होते हो तो ये ऐसी चीज होती है कि तू आगे बढ़ जा। मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ कि आई विल ऑलवेज वॉन्ट कि जो मेरे पार्टनर है वो आगे बढ़े, और क्योंकि उसकी खुशी में मेरी खुशी है, मैं हूँ ऐसी। तो सर मैंने, और इसमें कुछ गलत नहीं था, मैंने और पापा भी तो रिश्ता आया, छोड़ना था मुझे भी छोड़ना था सर, तो पर फिर ऐसे हो गया कि दोनों कैसे छोड़े सर, घर किसी एक को चलाना था। देन यू नो मैं चाहती थी वो आराम से काम करे, वो प्रेशर में आके काम ना, मैंने बोला मैं कंटिन्यू करूँ, मैंने बोला मैं पीछे से देखो ज्वाइन कर लूंगी बात, मैंने आई वाज लाइक दैट कॉन्फिडेंट एंड आई डिड दैट। उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज या ऐसा कुछ नहीं करता, इट वाज वेरी जेन्युइन टुवर्ड्स, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप यू डू दैट, मतलब यू डोंट थिंक कि मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, अरे वो किया एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड दैट, क्योंकि कोई ऐसे इंसान बनकर तो आया कम से कम बाहर। सुशांत इतना सक्सेसफुल था जिसको, अगर मेरा कॉम्प्रोमाइज भी था तो कुछ तो मेरे को वर्थ लगा उसमें। लेकिन मुझे आपसे आपसे बात करके दुख इस बात का हो रहा है अंकिता, कि जो आपका भी जो कॉम्प्रोमाइज था या आप सेक्रीफाइस कह लीजिए, वो भी उसके जाने से बेकार हो गया, वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सर, मतलब उसका भी तो बहुत बड़ा लॉस है सर, बहुत बड़ा लॉस है, और अभी क्या बोल सकती हूँ सर। मैंने ये भी देखा कि आप सुशांत के परिवार से आज भी उतनी ही कनेक्टेड हैं, सुशांत के जो पिता हैं उन्हें आज आप पापा कहकर बुलाती हैं, उनकी जो सिस्टर हैं उनको आप दीदी कहकर बुलाती हैं, बहुत कनेक्टेड है फैमिली से। हमारा वो रिश्ता रहा है सर इतना सार, यू नो व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप फॉर दैट लॉन्ग पीरियड, यू नो आप इतना कुछ दे देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, और फिर किसी के जाने के बाद सडनली आप थोड़ी भूल जाओ। मैं नहीं ऐसी हूँ सर, मैं सुशांत चला गया ठीक है उसको जाना था, बट देन मैंने जो उनको मुझसे रिश्ता रखना था मुझे उनसे रखना था, और हमने वो रखा सर। और किसी के वजह से हम भले ही लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनके साथ कंटिन्यू करना है रिश्ता है नहीं करना है तो हमारी चॉइस होती, और मैंने वो रिश्ते रखे सर।
और मैं शायद हर जिंदगी पर रखूंगी। हमारा जो रिश्ता है आपके साथ वो सुशांत के जरिए तो जी है, लेकिन जी टीवी के जरिए भी है, क्योंकि हम जी बिल्कुल हैं, सर, और जी और जी आप, हम सब आप आज जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद एक है। हम सब ये जी चाहते हैं सर, कि पता चलना चाहिए। अब हमसे बेहतर आप जानती थी सुशांत को, अब आप जी क्या चाहती सर, हैं, क्या होना चाहिए, ये जो जांच है, या जैसे कि कैसे पता चले किस तरफ ये जांच जानी चाहिए? जहां तक मुझे पता है सर, महाराष्ट्र पुलिस यहाँ पर कोई एफआईआर किसी ने की नहीं थी, तो जो अब की है जहां पर पापा ने इतना बड़ा टेक लिया है, तो आई थिंक उस पर ही हमें चलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। उस एफआईआर में रिश्तों की बात तो है, उस एफआईआर जी में अंकिता पैसे की भी बात है, उस जी एफआईआर सर, में रिश्ता, पैसा, मैं यही कहूंगा अपवित्र रिश्ता, लालच, ये सब कहानियां हैं उसमें। उसमें ये भी बताया गया कि जी कैसे पैसा बैंक अकाउंट से निकलकर इधर उधर चला गया। फिर अब आप जब जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये खबर आई है कि ईडी ने भी एक केस दर्ज कर लिया, और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी बैंक अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स ले रहा है। तो ये ओके पीछे एक सर, साल में, 6 महीने में ये पैसा कहाँ जा रहा होगा? मैं ये नहीं कह रहा आपको आपको पता है, बट क्या हो रहा होगा? अचानक से स्टाफ का चेंज हो जाना, उसके सीए का चेंज हो जाना, उसके मैनेजर का चेंज हो जाना, पूरा आसपास जो आपका सिस्टम है उसका पूरा के पूरा अचानक चेंज हो जाना, ये किस तरफ इशारा डिफिकल्ट करता है? है टू नो आंसर दिस, बट सर जो भी हुआ है, जिसने भी किया है, क्योंकि सर जहां तक का जो था वहां, जो उसका ये सारी चीजें कर रहा था, वो क्यों किया है वो पता लगाना बहुत जरूरी है। इसका कोई आंसर ही नहीं है सर, ऐसा कौन क्यों करेगा। मेरे साथ भी था सुशांत, मैंने कभी ये सोचा नहीं सर, कभी लाइफ में थॉट प्रोसेस नहीं आया। सो आई डोंट नो ऐसी कैसी थिंकिंग है और ये कैसे होता है, मैं उसी तो थिंकिंग के बारे में बात इसका करना चाहता हूं। जब आप सुशांत के साथ थी तो क्या कभी आपने सुशांत पर यह दबाव डाला होगा कि तुम मेरे साथ कंपनी बनाओ और उसमें मुझे पार्टनर रखो, मुझे डायरेक्टर बनाओ, मेरे भाई को, मेरी फैमिली को डायरेक्टर बनाओ? क्या आपने कभी उसको ये कहा होगा कि मेरी पसंद का नहीं मैनेजर लो? सर, सब मैं उल्टा ऐसे होता था कि मैं ध्यान रख लूंगी सब, तू बस काम पे अपना ध्यान दे। लिटरली, क्योंकि मुझे लगता था कि तू तू अपना काम कर, मैं संभालूंगी सब। कुछ तो था, एक लालच कोई ऐसा था जो सुशांत के आसपास था, जिसे फिजिकल एसेट्स में इंटरेस्ट था सुशांत के, जिसे पैसे में इंटरेस्ट था। देखिए, आपने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट रिश्तों को लेकर की, लेकिन कोई ऐसा था जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट रिश्तों में नहीं की, इमोशंस में नहीं की, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और की है, शायद बैंक में की है, किसी कंपनी में की है, किसी करियर में की है। सर की होंगी तभी तो इतना कुछ पैसे इधर उधर हुए, पापा ने एफआईआर की है, और पापा अगर कर रहे हैं कुछ तो उनके पास बहुत सबूत होंगे। पापा ऐसे तो नहीं है कि उठकर मन किया तो कर लो, उनके पास भी तो होगा, उनका बेटा गया है, उनको बहुत कुछ पता होगा सर। श्योर एक मन ये भी कहता है अंकिता कि सुशांत इतना इंटेलिजेंट लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था, सब जानता था। क्या सुशांत को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है? कोई भी सुशांत के दिमाग पर इतना प्रभाव कैसे डाल सकता है? तो इतना वही मुझे लगता है कभी कभी कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे को यह भी लगता है कि सुशांत ऐसा तो नहीं था कि उसको इतना समझ में ना आए सर, मतलब ही वाज अ वेरी स्मार्ट मैन, उसके पास इतना दिमाग था, पर क्या पता सर, कभी भी लगता है शायद इमोशनली वो इतना इनटू दैट रिलेशनशिप कि मस्ट बी नॉट अवेयर ऑफ दिस, और नहीं दिख रहा होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि सुशांत के अंदर ये सब होने के बावजूद भी कोई खालीपन था, कोई इमोशनल वैक्यूम था, जिसकी वजह से वो किसी ने उसका फायदा उठा लिया, किसी ने उसको इस बात का विश्वास दिला दिया तो कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती क्या वैक्यूम था, क्या आई डोंट नो। लेकिन ये भी सच है कि उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि वो डिप्रेशन की दवाई ले रहा था, वो डॉक्टरों के संपर्क में था, ये भी सच है। तो वही तो चीज मुझे नहीं पता, पर मुझे लग जहां तक मैं जानती हूँ सर सुशांत को, वो यू कांट बी डिप्रेस्ड अबाउट एनीथिंग सर, कांट बी डिप्रेस्ड। अब ये मैं बहुत बड़ा सवाल है सर कि कोई कैसे डिप्रेशन में है। चल मैं वो वही बोल रहा कि डिप्रेशन में है तो फिर वो अकेला क्यों था सर? आप हो ना पार्टनर की तरह, तो फिर आपको रहना चाहिए था उसके साथ, उसका ध्यान रखना चाहिए था, फैमिली को बताना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ, आप ध्यान रखो।
तो एक देख लेना चाहिए। मैं अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहा हूं आपसे, इसका सबूत मेरे पास भी नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सुशांत को ये विश्वास दिला दिया गया हो कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसको ये विश्वास दिला दिया गया हो कि वो डिप्रेशन में है, वो अपने जिंदगी के फैसले नहीं ले सकता, वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकता, वो ये फैसले नहीं ले सकता कि उसको क्या फिल्म करनी है क्या नहीं करनी है, वो ये फैसले नहीं ले सकता कि उसका मैनेजर कौन होगा, उसका सीए कौन होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। मैं तो इस बारे में कुछ कह रही, क्योंकि ये सुशांत को मैं जानती नहीं हूँ। ये सुशांत को ऐसे क्यों बोले और वो सुन ले, मैं नहीं जानती था ऐसे सुशांत। आई डोंट नो ये सुशांत कौन है ऐसे, क्योंकि मैंने ना कभी ऐसे किया है ना उसने कभी, मतलब मैं फील आई डोंट नो दिस सुशांत, कि ऐसे मैं बोलूंगी ये कर लो और वो कर लो वो कर लेगा, नहीं सर मुझे नहीं पता सर, मैं इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती। अगर आज आपको एक मौका मिले सुशांत से कुछ कहने का, मैं बस इतना ही कहूंगी सुशांत को कि बहुत लोग हैं प्यार करने के लिए, तुम्हारे लिए पूरा देश खड़ा है, तुम्हारे पूरा फैमिली खड़ा है, सिर्फ तुम्हें एक हाथ बढ़ाना है और उन्हें वापस अपने पास बुलाना है और वो आ जाएंगे। हम अंकिता पहले दिन से लोगों को भी ये बता रहे हैं कि सुशांत ने एक गलती की, ही कमिटेड अ मिस्टेक। हमारे देश में बहुत सारे लोग होंगे, आपने देखा होगा उसके बाद से अचानक से मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन होने लगे, अखबारों में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया, टीवी पर डिस्कशन होने लगे कि मेंटल हेल्थ कैन टेक अ टोल, कैसे आपको उससे बचना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे यूथ, उनको ये बताने की जरूरत पड़ने लगी कि देखिए जो सुशांत ने किया वो सही नहीं है। तो एक एक सुशांत के जाने के बाद एक बहुत ही एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी उसके आसपास खड़ा कर दिया गया है। तो क्योंकि मैं तो नहीं मानती ना इस चीज को, कि मतलब ठीक है सुसाइड करना गलत है, आई अग्री टू इट, बट फॉर मी मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं जा सकती तो कि सुसाइड है, मैं नहीं कर सकती। आपके मन में क्या है? आप ये कहना चाह रही हैं कि ये मर्डर है? आपके मन में ये है कि ये फोर्सफुल सुसाइड हो सकता है, किसी ने मजबूर कर हो दिया? सकता है सब कुछ, आप जब इतनी चीजें पापा ने FIR में डाली है तो सर कुछ तो होगा सर उसके पीछे, तो मैं अभी वेट करना चाहती हूँ सर अपने कंक्लूजन पे आके। आई डोंट वांट टू गिव एनी स्टेटमेंट कि यही होगा और यही, मैं सिर्फ बात करी यहाँ पे डिप्रेशन की, कि वो डिप्रेस नहीं हो सकता, वो इंसान बहुत खुश रहने वाला था, लोगों को खुश करने वाला था, लोगों को इंस्पायर करने वाला था, तो ये डिप्रेशन वर्ड जो है ना उसके आसपास वो हटा दो, मैं वो बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता सुसाइड मर्डर मैं नहीं जानती, लेकिन नो डिप्रेशन प्लीज। वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का था सर, बहुत दिमाग था उस लड़के में, उसको पता था अपना बैलेंस कैसे करना है। तो आपका मन मानता है कि कोई उसको फोर्स कर सकता है, कोई उसको उकसा सकता है कि वो ऐसा कदम उठा ले? अगर ये हुआ है तो मतलब एक अगर वो ये हो ही सकता है सर, आज मेरे साथ भी हो सकता है, आज मैं किसी रिलेशनशिप में और मैं इतनी इन्वॉल्व हूं तो मुझे हो सकता है आज मुझे कल कोई कुछ बोले तो मैं कर लू, मतलब रह लू उसके, आई एम नॉट ऑन सुसाइड पर उसके लिए मैं कुछ कर लू, मैं कर सकती हूँ, आउट ऑफ लव आई कैन डू इट। आपके साथ जब उसका रिश्ता था, जब तक था, वो जैसा हम अभी देख रहे हैं सुन रहे हैं वैसा ही था या उससे बिल्कुल अलग था वो लड़का उस समय? उस समय मैं आपको उसको पूरी बता तो रही हूँ कि वो पूरा अलग असफलता से डर था, लगता था उसको कभी? तो उसको किसी चीज से डर नहीं लगता था, वो ऐसी जगह से उठाता कि उसको वो गिरता भी तो अपने आप को पूरा बना लेता था। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि उसको कभी पैसों से लगाव नहीं था, कि सारे पैसे ले लो वापस खड़ा हो जाएगा, तो किसी की वजह से करियर में और ये वो ऐसा लड़का नहीं था, नहीं था उसको, उसको पता था कि यहाँ ये होगा, ही फॉट बैक एंड ही रीच देयर, वहां पहुंचा था वो सर और बस वहां था वो सर, ही वाज अ सक्सेसफुल मैन। अंकिता, अब मैं आखिर में आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आप और हम और इस देश के करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले और पता चले, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि अब क्या किया जाए इसके बाद? आप क्या चाहती हैं? हमसे आपको क्या चाहिए? देश से क्या चाहिए? क्या होना चाहिए अब? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ? सर आप लोग अब तक जितना कर रहे हैं सर उसके लिए रियली ग्रेटफुल, लाइक फ्रॉम सुशांत फैमिली आई एम सेइंग दिस, सर आप बहुत कुछ कर रहे हैं और ट्रस्ट मी बस ऐसे ही सपोर्ट चाहिए सर, और
जो सच है सर, जो भी सच है, मैं नहीं बोली ये सच वो सच, हमारा अपना कुछ एक सच नहीं, जो वाकई में सच है वो बाहर आना चाहिए। और इतने सारे फैंस है सुशांत के, इतना सब कुछ है सर, और उनका साथ हमारे साथ है, और बस सुशांत को सच में जस्टिस मिलना चाहिए। वो इतने यंग एज में जो भी उनके साथ हुआ है उस चीज का उनकी फैमिली डिजर्व करती है जाना, हम सब डिजर्व करते हैं सर जाना, तो इसका सच बाहर आना चाहिए। आपको और आप लगता ऐसे है? ही हमारे साथ कांस्टेंट आपका सपोर्ट बनाकर रखिए सर, और आई एम रियली थैंकफुल, रियली ग्रेटफुल सर कि आप लोग तो हमारे साथ हैं। अंकिता, थैंक यू सो मच, और मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि हम लोग जो इस मुहिम को जो शुरू किया है हमने, ये अपने अंजाम जी तक सर, पहुंचेगी और एक दिन देश को जरूर पता चलेगा कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की और थैंक हम आपकी मदद कर रहे हैं, एंड वी आर एट द सेम यू पेज, सर, सेम प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।